बात करते हैं जी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है। अब देखिए, हमने लास्ट में बात की ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई जो रिवायती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, जिसमें हमने एक फिक्स स्ट्रक्चर देखा, एक फिक्स मॉडल देखा और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और ब्यूरोक्रेसी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक देखी। अब हम बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। तो देखिए, जब हमने ये देखा कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुकी है, हम ये कह रहे हैं कि वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्चुअली में इनएफिशिएंट हैं आवाम को या पब्लिक को जो है वो सर्व करने में। तो आवाम को अगर सर्व करने में वो इनएफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली उनकी इनएफिशिएंसीज को हमने क्या करना है, ओवरकम करना है। तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये रॉबर्ट बीहन साहब जो है ये इसको बताते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं तो हमारा पर्पज ये है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, कि हमने पब्लिक सेक्टर जो है, ठीक है, उस पब्लिक सेक्टर को हमने क्या करना है, और ज्यादा बेहतर करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस परफॉर्मेंस को हमने बहुत ज्यादा बेहतर करना है, और यही जो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करना है, यही रॉबर्ट बीहन साहब के अकॉर्डिंगली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। ठीक है, कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो ट्रेडिशनल है इससे हमने थोड़ा एक स्टेप आगे जाना है। अब क्योंकि चैलेंजेस जो है वो हम ये कहते हैं बदल चुके हैं, तो जब हम चैलेंजेस कहते हैं बदल चुके हैं, तो अल्टीमेटली अब हमें इंतजामिया का मॉडल भी बदलना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सारे का सारा मॉडल हम बदल दें। जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें देखा हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं जो अभी भी फॉलो हो रही हैं, लेकिन अब क्योंकि चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, तो अल्टीमेटली हमें उसके अकॉर्डिंगली, जैसे देखिए पाकिस्तान में भी एक डिबेट अभी भी चल रही है और पिछले 10-15 साल से चल रही है, बार बार रिपीट होती है कि भाई हमने किस तरह अपनी पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अवामी इंतजामिया जो है, या सरकारी इंतजामिया जो है, इस इंतजामिया को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, या रिफॉर्म्स जो है बार बार पब्लिक सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं कि भाई रिफॉर्म्स, और बार बार वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो वो रिफॉर्म्स कैसे जो है, और हिस्ट्री में हमने देखा, इवन जो है हमने देखा खास करके भुट्टो साहब जो है उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई सिविल सर्विस के अंदर, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स। इसी तरह जो है वो ज़ियाउलक साहब है, उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, और खास करके हमने जो रिफॉर्म्स देखी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, वो बहुत ही शानदार रिफॉर्म्स जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं और आगे हम डिटेल से जिक्र करेंगे, वो रिफॉर्म्स भी बहुत अच्छी थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, अब इसका मॉडल हमें चेंज करना है वक्त के साथ साथ, और आवाम को हमें बेहतर अंदाज में सर्व करना है। तो ये न्यू अप्रोच ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट है। ठीक है, कि ये जो न्यू अप्रोच है इसका मतलब क्या है, पब्लिक को मैनेज करना है बेहतर अंदाज में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो क्या है कि भाई इसकी जो फील्ड्स हैं, अगर हम ये देखते हैं कि फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या है जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट है। कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है, अब ये इसकी फील्ड ऑफ रिसर्च है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के साथ लिंक करके उसको बेहतर किया जाए। इसका सारे का सारा गोल ही जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर लिंक करता है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिंक करता है, कि किस तरह से मैनेजमेंट को बेहतर करके उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो अप्लाई करके उसको मजीद बेहतर किया जाए पब्लिक सेक्टर के लिए। तो इसमें हमारे पास यहां पे एक प्रोफेसर साहब हैं, हुड, प्रोफेसर हुड जो हैं ये लंदन के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, जिन्होंने 1991 में जो है 7 डॉक्टोरियल कंपोनेंट्स दिए थे कि भाई इस डॉक्ट्राइन के तहत जो है ये जो न्यू मैनेजमेंट है पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जो है ये बताया कि भाई अगर ये 7 डॉक्ट्राइन जो है अगर हम कंपोनेंट्स शामिल करते हैं, तो ये जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो बेहतर होगी या ये उसका हिस्सा हो सकते हैं। पहले पे क्या है, हैंड्स ऑन प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, सबसे पहली चीज ये है। दूसरे पे क्या है जी, एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट और मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे पीआई इंडिकेटर्स भी कहते हैं नॉर्मली। थर्ड पे क्या है जी, एम्फेसिस ऑन आउटपुट कंट्रोल, कि आउटपुट कहां से क्या आ रहा है। फोर्थ पे क्या है, शिफ्ट टू द डिसएग्रीगेटिंग ऑफ यूनिट। फोर्थ पे क्या है, शिफ्ट टू द ग्रेटर कॉम्पिटिशन। अच्छा, यहां पे ये देखिए, अब ये क्या बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीजों को, अगर आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हैंड्स ऑन जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी पब्लिक सेक्टर के अंदर, एक चीज तो ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस को हम मेजर करें, ठीक है, जिनको भी जो भी मैनेज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। तीसरा कह रहे हैं कंट्रोल को, आउटपुट को आपने क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, इनपुट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं बल्कि जो पहले होता था जो ट्रेडिशनल था, बल्कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये कह रहे हैं कि भाई डिसएग्रीगेट करें यूनिट्स को, कि भाई आप एज ए होल अगर चीज को देख रहे हैं, जैसे हम पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो एज ए होल के बजाय आप उसे यूनिट्स में तकसीम करें और एज ए यूनिट को आप अलग अलग यानी चीजों को आप देखें, ताकि उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो सके। यानी ये वो मॉडल आपको देखने को मिल रहा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जो एक्चुअली में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेल्स यहां पर अलग है,
मार्केटिंग यहां पे अलग है, ठीक है, फाइनेंस यहां पे अलग है, तो खैर यहां पे भी अलग अलग है, लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा कोर फोकस करके इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग करके इनको टास्क जो है वो असाइन किए जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो बिल्कुल यहां पर भी ये यही कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। नंबर सिक्स क्या है जी, प्राइवेट सेक्टर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कि आपने अब देखिए कह रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर का जो स्टाइल है मैनेजमेंट का वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो गोल्स ओरिएंटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, जो लोग आप में से जॉब्स कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि वो गोल ओरिएंटेड है, कि भाई गोल्स को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए अब रिसोर्सेज हमने जो है वो लाने हैं और उस गोल्स को अचीव करना है। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर जब पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो करता है एक ही काम, उसका क्या बेसिक पर्पज है, वो है जी प्रॉफिट मोटिव, यानी मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, इसीलिए तो ये सारे का सारा करते हैं। तो जब आप यहां पे भी पब्लिक सेक्टर के अंदर भी क्या करेंगे, प्रॉफिट मोटिव या इस तरह के इंसेंटिव्स को लेके आएंगे, तो मैनेजमेंट तभी तो यहां पे बेहतर होगी। अच्छा, डिसिप्लिन एंड प्रिजमरी इन रिसोर्स यूज। तो जो एक तो डिसिप्लिन रखना होगा, चलिए डिसिप्लिन तो होता ही है, जो पर्समरी है यानी कि जो उसको साफ रखना या उसकी अकाउंटेबिलिटी या किसी भी चीज को जो है वो शफाफ रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है बेहतर तरीके से जिसके लिए आए हैं वो उसी के लिए यूज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको पता है कि हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां जो है वो 50 करोड़ रुपए जो है वो ग्रांट होते हैं और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगते हैं और जो है तख्ती भी इतनी लगी भी होती है कि भाई 50 करोड़ ही है, लेकिन वो काम जो हम देखते हैं तो 20 लाख का भी नहीं होता। तो ये सारे का सारा क्या है, फिर वो बीच में से रिसोर्स का मिस यूज है। तो इन चीजों को हमने जो है वो क्या करना है, ये वो फील्ड यानी वो 7 चीजें हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल ही है, तो उसको हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर ले जा सकते हैं। प्रोफेसर हुड साहब जो है इनके अकॉर्डिंगली हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसमें मजीद देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर, तो हम कहते हैं जी 6 core characteristics ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और इसको किस कौन डिफाइन कर रहा है जी, डोनाल्ड केटल साहब जो हैं ये इसको डिफाइन कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि ये 6 चीजें जो है ये नई पब्लिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। सबसे पहली चीज प्रोडक्टिविटी है, और ये भी आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको प्रोडक्टिव करना किसी चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है जी, मार्केटाइजेशन, ठीक है जी, मार्केटाइजेशन होना। और तीसरा क्या है जी, सर्विस ओरिएंटेड होना। चौथा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी उसको जैसे मैंने कहा मुशर्रफ साहब ने 2001 में एक मॉडल दिया था कि उसको नीचे के लेवल तक लेके आना, पॉलिसी ओरिएंटेशन 5वें नंबर पे, 6ठे पे क्या है जी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिजल्ट्स हैं, कि किसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो रही है, रिजल्ट्स के लिए। तो ये 6 चीजें जो हैं ये भी डोनाल्ड केटल साहब जो है इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर साथ में डिस्कस की हैं कि ये 6 चीजें होनी चाहिए। तो वो क्या होगी, वो जो मैनेजमेंट होगी वो पब्लिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हम उसे कह सकते हैं। अब मजीद अगर हम इसमें देखते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, 5 core principles ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, कि जो 5 core principles हैं वो न्यू मैनेजमेंट के क्या हैं जी। सबसे पहली चीज है डाउनसाइजिंग, रिड्यूसिंग साइज एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करता चलूं। अब देखिए डाउनसाइजिंग का हम ये देखते हैं अक्सर, खास करके हम IMF के प्रोग्राम्स में जब भी जाते हैं तो IMF हमें ये कहता है कि जो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत, पब्लिक डेट जो है बहुत ज्यादा है, ये जो सरकारी आप पेंशन देते हैं, सरकारी लोग इतने ज्यादा हैं, सरकारी इदारे इतने ज्यादा हैं, तो आप तो जनरेट, क्योंकि ये सरकारी इदारे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर पा रहे, ये अपने लिए आमदनी जो है उस तरह से तो जनरेट करते नहीं। अगर ये आमदनी 100 रुपया जनरेट करते हैं तो लगाते हैं 1000 रुपया है, तो ये जो ऊपर का 900 रुपया है ये तो आपका सारे का सारा जो है वो नुकसान है आपको, ठीक है, ये जो बजट डेफिसिट है आपका, तो इसको आप क्या करें, डाउनसाइज करें। अब उसमें अब इन दिनों आप खास करके देखें तो IMF ने हमें एक और नया जो है वो इशू दिया है कि आप क्या करें जी, आप एक तो 8 घंटे की जो जॉब है 9 to 5 job, इसको जरा समझिएगा, उनका 9 to 5 job जो है इसको आप देखिए। और आप ये देखिए कि एक इदारा है, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं जी पोस्ट ऑफिस है पाकिस्तान में, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में अगर 5000 लोग काम कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये जो काम है अगर 9 to 5 लोग प्रॉपरली करते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, ऐसा नहीं 9 to 5 जाके बैठ के 2 काम कर दिए जैसे यहां पे क्लर्क करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। तो प्रॉपरली अगर ये काम करते हैं तो हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है, तो अगर हमें पता चलता है 9 to 5 प्रॉपरली काम किया जाए तो 1000 लोगों की जरूरत है, इसका मतलब 4000 लोग सिर्फ एक इदारे में आपने ज्यादा रखे हुए हैं और जो काम भी नहीं करते हो, जिनका काम है भी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा काम है ही नहीं जो प्राइवेट सेक्टर ने अब ले लिया काम, तो इन 4000 लोगों को फारिग करें, ये डाउनसाइजिंग है, ठीक है। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसमें क्या चीजें हैं कि आपको डाउनसाइजिंग करनी है, साइज को रिड्यूस करना है और जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स में इसका इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करना है, यानी उसको कम से कम डिपार्टमेंट्स तक आपने रखना है, इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है जी, मैनेजेरियलिज्म, बिजनेस प्रोटोकॉल्स इन गवर्नमेंट,
कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपने मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। और मैनेजमेंट को आप कैसे प्रमोट करेंगे कि जो बिजनेस मॉडल है, जो जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट मोटिव जिसका होता है, वो प्रॉफिट मोटिव मॉडल आपको बिजनेस वाला लेके आना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल्स लेके आने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के अंदर वैसे ही अकाउंटेबिलिटी, वैसे ही एहतिसाब होगा, वैसे ही उसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड होगा, हर एक जो है उसके ऊपर आंसरेबल होगा। और मैनेजेरियल जो स्किल्स हैं उनको बहुत ज्यादा पॉलिश करना होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन उसको करना होगा, यदि अब जैसे लोकल गवर्नमेंट है तो उसको हम नीचे लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो इसको भी हम इसी तरह डिसेंट्रलाइज करके हम जो है लेके जाएं छोटे लेवल के ऊपर। मूविंग डिसीजन मेकिंग क्लोजर। नेक्स्ट क्या है जी, डी ब्यूरोक्रेटिसाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है सारे का सारा, ठीक है, और इन्हीं का सारा कंट्रोल है, इसको हमें तोड़ना है और इसको जो है रीस्ट्रक्चर करना है गवर्नमेंट के मॉडल को। और एम्फेसिस किसके ऊपर करना है, रिजल्ट्स के ऊपर रादर देन प्रोसेसेस, कि वो काम कैसे हो रहा है। देखिए अब यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेड टेपिज्म का, ठीक है। रेड टेपिज्म में क्या चीज है कि एक फाइल अगर आपकी गवर्नमेंट के पास चली जाती है और उसके बाद वो 50 डिपार्टमेंट्स में घूमती है और उसको पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, और फिर वो करते 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 जो है ना वो तकरीबन साल दो साल का प्रोसेस लग जाता है, बहुत कम भी हो तो 3 माह तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो ये क्या है, ये सारे का सारा प्रोसेस के अंदर एंगेज कर दिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट शायद वो आपके हक में आए, शायद आपके हक में आए ही ना। तो उससे बेहतर ये है प्राइवेट मॉडल के ऊपर कि आप इस प्रोसेस को, जैसे हम कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन, जैसे सीपैक के प्रोजेक्ट्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन किया गया, ठीक है, तो आप वन विंडो ऑपरेशन करें। उस वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी चीजों को लटकाती है, ये आप खत्म करें, ठीक है। और जो गोल्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं खास करके, उनके ऊपर फोकस ज्यादा करें, बजाय इसके कि एक फाइल 50 डिपार्टमेंट्स पे घूमे, वहीं एक जगह से काम क्लियर हो जाए तो मसला हल हो जाए। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को लटकाना जो है ये खराबी है, और यही ये सारे का सारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं ये रेड टेपिज्म के। नेक्स्ट क्या है जी, नंबर 5 पे प्राइवेटाइजेशन, डायरेक्टिंग द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स सर्विसेज आउटसाइड फर्म्स, ठीक है, कि आपने क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, ये जितने भी जैसे PIA है या बाकी जो इदारे हैं, तो जो नुकसान पे चल रहे हैं उन सारे के सारों को आप उनकी प्राइवेटाइजेशन करें, ठीक है, जो मुशर्रफ दौर में हुई, जो अभी भी प्लान किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी बहुत से लोग रेजिस्ट करते हैं, तो जहां ये पॉजिटिव है उसको करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो गवर्नमेंट की जो गुड सर्विसेज है उसमें आप आउटडोर फर्म्स जो वगैरह जो है वो हायर कर सकते हैं। साथ में क्या करना है जी, आपने जो फोकस करना है किस थ्योरी के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर की जो थ्योरी है उसके ऊपर, और बिजनेस फिलॉसफी जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये कोर वैल्यूज हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, इंप्रूव करनी पड़ेगी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज की, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का जिन्हें गुरु कहा जाता है, वो है पीटर डकर साहब, ठीक है। तो पीटर डकर जो है उनको ये माना जाता है कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया जी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट का, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। क्योंकि जो मैनेजमेंट है, खास करके जो मैनेजमेंट साइंसेज से जो स्टूडेंट्स लिंक करते हैं, उन्हें पता होगा कि जो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं पीटर डकर साहब हैं, ठीक है, और इनको जो है वो अथॉरिटी माना जाता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो इनकी जो बुक्स वगैरह है आप स्टडी कर सकते हैं बेहतर मैनेजमेंट के लिए। तो ये उनका एक मॉडल है, यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप ये चीजें लेके आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो चीजें जो है बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती हैं और उन्हें बेहतर किया जा सकता है। ये कोर वैल्यूज है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ट्रेडिशनल से हटके या उसे बदल सकती हैं। आगे बात करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान की, कि यही जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, अगर इसमें पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अल्टीमेटली अभी तक देखिए, हमने यहां पे पाकिस्तान में हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये हमें देखने को नहीं मिलती फिलहाल तक, हम ये कह सकते हैं। हमें यहां पे ट्रेडिशनल वही जो रवायती है, वो रवायती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही देखने को मिलती है, और वही मैनेजेरियल कंट्रोल जो है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है सारे का सारा, और सारा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, सब चीजें हमें वही देखने को मिलती है। हमें यहां पर एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता, सिवाय एक दो के वो भी फेल हो गया, प्रॉपरली से नहीं किया। तो यहां हमें ये देखने को मिलता है कि हम स्टार्ट से ही, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ 1945 से, तो हम अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो हमें दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सबसे पहले दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश राज हमारे पास आया, जो ताजे बरतानिया था, तो ताजे बरतानिया जो है उन्होंने जो हमें यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के दिया ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेसी को बादशाह बना दिया, और डीसी साहब जो है उनको स्याह सफेद का जैसे जिले मालिक कर दिया, फिर एसी, फिर कमिश्नर का इख्तियार। तो ये सारे का सारा हमें जो है वो
आयरन हैंड ब्यूरोक्रेसी हम इसे कह सकते हैं कि ये आयरन हैंड ब्यूरोक्रेसी का हमें एक रिग्ड किस्म का इंतहाई सख्त किस्म का मॉडल मिलता है और ये वही जो है पिछले 75 साल से हम इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बार बार, जो कि क्या करते हैं जी कर्व्स द एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स, कि जो भी चीज इसमें नई आती है और नए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लिए जाते हैं इसको बेहतर करने के लिए या अलाइन करने के लिए गवर्नमेंट को, उनको भी ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज हमें खास करके हमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इलीट है वही पाकिस्तान की तबाही की रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ब्यूरोक्रेसी वही है जो इलीट का हिस्सा है, जो खुद इलीट बनती है। तो ये कभी नहीं चाहती कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ आया जाए और अवाम को वाकई में खादिम बन के सर्व करना इनके बस में नहीं है, क्योंकि ये तो अफसर शाही है, तो ये अफसर लोग हैं, तो ये जो है ना हम शुरू से ही ऐसे ही गवर्न होकर आए हैं। सिवाय इसके कि हम ये कहते हैं जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है मुशर्रफ साहब ने जो की थी, ठीक है, तो वो मुशर्रफ साहब की जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी जो 5 D's के ऊपर जो है वो काम कर रही थी, डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस है, डिफ्यूजन ऑफ पावर है और अथॉरिटी नेक्सन है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये सब का सब किया गया, ठीक है, और ये किसके थ्रू किया गया, ये नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के तहत NPM के तहत किया गया, और जिसका जो पर्पस था वो क्या था कि पाकिस्तान में भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाए और लोगों को जो है वो बेहतर इंतजामात या इंतजामिया प्रोवाइड जो है वो की जाए। और ये जो है ये हम ये कह सकते हैं कि भाई पीपल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लान था जो मुशर्रफ साहब ने अपने टाइम के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो सिर्फ वो इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके बाद हम ना उससे पहले हमने ये मॉडल देखा इतना स्ट्रांग, और ना उसके बाद हमने दोबारा से जो है इस तरह का ये मॉडल देखा जिसमें लोकल गवर्नमेंट को जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जिले को अंडर करके, यानी कि नाजिम साहब जो है और नायब नाजिम के अंडर सब कुछ करके और DCOs वगैरह उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर दिया, पुलिस का स्ट्रक्चर उनके साथ मॉडल कर दिया, जिससे जो है बहुत ही स्ट्रांग किस्म की गवर्नेंस हमें देखने को मिली। और वही जो गवर्नेंस थी वो गवर्नेंस पब्लिक मैनेजमेंट थी, एक्चुअली में जो पब्लिक मैनेजमेंट थी जो हमें देखने को मिली, जिसमें डीसी साहब को DCO बना दिया गया, TMO वगैरह और EDOs वगैरह, ये सब के साथ इनको क्या किया गया जी, इनको कोलैबोरेट किया गया और ये प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलके फिर इस तरह से काम किया गया। और नाजिम और नायब नाजिम जो है उनके परमानेंट ऑफिसेस किए गए, टेक्नोक्रेट्स का ये साथ में एक सेटअप जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है, जो अपने फील्ड के जो टॉप लेवल के लोग थे यानी उनको साथ में जो है वो इसके यूज किया गया। और ये 5 D's की फिलॉसफी थी जो कि NRB ने जो है वो यूज उस टाइम पे इसको काम किया, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो जो है उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया। अब इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद भी है, लेकिन हम डिटेल में जब अगले चैप्टर्स पे जाएंगे तो हम जो है उसके ऊपर मुशर्रफ साहब की जो फिलॉसफी है इसको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है जी, गवर्नेंस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।